हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। आज हम कुछ टफर क्वेश्चंस फिर से करेंगे। पार्ट 7 आज हम करेंगे सुपर पूल क्वेश्चंस का। ये थोड़ा सा टफर लेवल क्यों होगा, क्योंकि अब जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे IBPS मेंस PO आएगा, तो थोड़े से टफर लेवल के क्वेश्चन अब हमें करने होंगे। ठीक है, तो 3 कंक्लूजन के क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे आज। और कुछ स्टूडेंट्स की एक डिमांड आ रही थी कि आप FIJs वाले क्वेश्चंस डिस्कस करिए। अब ये क्या होता है, FIJs मींस फैक्ट्स, इन्फरेंस और जजमेंट के क्वेश्चन। तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर भी सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है, हालांकि बैंकिंग के लेवल से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं अभी तक आए हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़े से कैट और जैट और मैट और क्लैट के लेवल के हैं, बट मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में भी, और इससे भी आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे है, और हम उसी पे सवालों के माध्यम से अपने आप को क्लेरिफाई करते रहते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होगा वीडियो, और आप आराम से इसको देख सकते हो और पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर के, और फिर मेरी डिस्कशन को आप देखिएगा। ठीक है, इसी के साथ ये रहा क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पे। टू लाइनर पैसेज है, बहुत ज्यादा नहीं, सिंगल प्रीमाइस है सिर्फ, अगर आप देखो तो। और हम पहले पढ़ते हैं जैसे डायरेक्शंस। इन द क्वेश्चन बिलो सम फैक्ट्स आर गिवन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस, ईच गिविंग अ कंक्लूजन व्हिच मे और मे नॉट फॉलो। चूज द वन दैट रिफ्लेक्ट्स द कंक्लूजन दैट फॉलो। सिर्फ 5 स्टेटमेंट्स इस पैसेज के बाद दिए हैं, और आपको बताना है मेन पॉइंट क्वेश्चन, यानी कंक्लूजन का क्वेश्चन है। 5 में से कोई एक कंक्लूजन होगा, यानी हमें 4 को रिजेक्ट करना होगा। और जहां इन्फॉर्मेशन कम होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने इसको डिस्कस किया है कि जहां प्रीमाइसिस बहुत कम होंगे, वहां पर कंक्लूजन पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपनी इमोशनल सेंस का भी इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमारा टोटल आर्ग्यूमेंट देखेंगे हम, किसी मिसिंग प्रीमाइस पे तो नहीं जा रहा है क्या, कोई वहां मिसिंग प्रीमाइस है, उसको भी हमें वहां से डिराइव करना पड़ता है। चलिए पढ़ेंगे पहले लाइनर क्या कहता है। इन द कमिंग मंथ्स फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, यहां पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड पर भी आपको फोकस करना होगा। अब यहां फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज की बात कर दी, यानी बाहर से कुछ पैसा आ रहा है, कुछ कैपिटल आ रहा है, आर लाइकली टू कंटिन्यू एट अ फास्ट पेस। ठीक है, आने वाले समय में फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगे। एंड इट इज क्रिटिकल फॉर RBI, यहां पर क्रिटिकल बोल दिया, यानी कि कुछ दिक्कत है RBI के साथ आने वाली है। Not to let them force further appreciation of the rupee. अब यहां पर आपको इमेजिन करना है क्या रिलेशनशिप होता है फॉरेन कैपिटल का appreciation of the rupee का, क्यों RBI के लिए मुसीबत होगा, ये हमें इमेजिन करना होगा। हमें यहां पर वो कॉज इफेक्ट देखना होगा कि क्या ऐसा कॉज होगा जिसकी वजह से रुपी अप्रिशिएट करेगा और हम दिक्कत में आएंगे। अगर रुपी अप्रिशिएट करता है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर रुपी अप्रिशिएट कर गया तो हमारे प्रोडक्ट्स जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो वो और महंगे होके जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा मार्केट में, हम थोड़ा सा लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये कॉज इफेक्ट है, ये मिसिंग प्रीमाइस है, ये हमें अगर हमें थोड़ी फाइनेंशियल हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, अपनी नॉलेज को देखेंगे, तो हमें ये चीज़ कॉज इफेक्ट होती हुई दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा हमें एसेस करना होगा अपनी नॉलेज को, और उसके बेसिस पे यहाँ पर कंक्लूड करना होगा, और वो मदद क्या होगी, वो मदद होगी स्टेटमेंट्स जो कि अब फॉलो होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स यहाँ से फॉलो होते हैं। एज वर्कर्स कंटिन्यू टू रिटर्न टू वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्स अप, क्योंकि कमिंग मंथ्स की बात हुई थी, वहां इको हुआ था कमिंग मंथ्स, तो कमिंग मंथ्स में कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है। वर्कर्स विल कंटिन्यू टू रिटर्न टू वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विल पिक अप इन इंडिया will need to recapture its share in the world markets for which a competitive exchange rate through control of rupee is critical. अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें एको होती हुई दिख रही थी, क्रिटिकल शब्द वहाँ भी इस्तेमाल में आया था, appreciation of the rupee वहाँ भी आया था, लेकिन competitive exchange rate की बात नहीं की गई थी। लेकिन जब हमसे बोला जाएगा कि हमें RBI को इस सिचुएशन को हैंडल करना है इस तरीके से कि रुपी का appreciation ना हो, तो दैट मीन्स क्यों ना हो, ऑब्वियसली बात है कि कॉज इफेक्ट फिट होता हुआ दिख रहा है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए। जब हमारा सामान बाहर जाएगा तो वो कॉम्पिटिटिवली चीपर होना चाहिए बाकी प्रोडक्ट से, तभी जब बाहर से पैसा आएगा तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हमें उस रुपये के रेट को एप्रिसिएशन होने नहीं देना है ज़्यादा। क्यों, आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि डॉलर बाय करती है RBI, क्यों,
क्यों वो डॉलर खरीदने लगती है बहुत तेजी से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो अपने एक्सचेंज रेट को कॉम्पिटिटिव रखना चाहते हैं, उसको अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करना भी चाहते हैं, थोड़ा चीपर रहे हमारी करेंसी। चलिए ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ देयरफोर लगा दूँ, चीट कोड याद है आपको, अगर मैं यहाँ लगा दूँ देयरफोर एज वर्कर्स कंटिन्यू टू रिटर्न टू वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्स अप, इंडिया विल नीड टू रिकैप्चर इट्स शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट्स फॉर विच अ कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट थ्रू कंट्रोल ऑफ रुपीज क्रिटिकल। बहुत ही अच्छा आंसर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक हो रही हैं देयरफोर लगाने के बाद, पैसेज से हम रिलेट कर पा रहे हैं अपने कॉज इफेक्ट को। ठीक है, काफ़ी इंडक्टिव आंसर है, 80-90% चांसेज हैं इसके सही होने के। चलिए बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे या क्यों हो सकते हैं बेटर आंसर, वो भी हम देखेंगे। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे पहले तो। फॉरेन कैपिटल इज नीडेड इन ह्यूज वॉल्यूम्स टू बूस्ट ग्रोथ इन इंडिया विच इज एन इमर्जिंग मार्केट। बहुत ही इंडक्टिव आंसर है ये भी, यहाँ पर ग्रोथ की बात की गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज़ की बात की गई, और वो क्या, फॉरेन कैपिटल की। यहाँ पर सिर्फ फॉरेन कैपिटल की बात की गई, यहाँ एप्रिसिएशन ऑफ रुपी को आप नहीं डाल पाए, उसका कुछ एक्सचेंज रेट या कंट्रोल ऑफ रुपी की कोई भी कहानी अगर ऑप्शन ए में जैसे देखें तो ये बेटर आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट नहीं दिया है, एक्सचेंज रेट के बारे में कोई बात नहीं की गई है, रुपी एप्रिसिएशन के बारे में भी कोई बात नहीं गई, आपने क्या बात करी, आपने ग्रोथ की बात कर दी। यहाँ पर आंसर अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा आंसर होता, बट ये इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए एक लेस इंडक्टिव आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए एक बेटर आंसर फिर भी निकलेगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन बी के होने के चांसेस 60% होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए के बेटर चांसेस होंगे, मोर इंडक्टिव आंसर है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर आंसर मिला हमें, तो ऑप्शन बी बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता था, लेकिन इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए इट इज नॉट अ गुड आंसर। बस हमें ये देखना है, ऑप्शन बी भी एक कंक्लूजन, यही एम्बिग्यूटी आती है। ठीक है, ऑप्शन सी, रुपी एप्रिसिएशन इंक्रीजेज इन्फ्लेशन इन द मार्केट। क्या ऐसा हमें पता है कुछ इस बारे में? ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फ्लेशन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया था। क्या मेरा पैसेज चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा रुपया अप्रिसिएशन हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा? जी नहीं, क्लियरली नहीं कर रहा, तो मैं इसको भी रिजेक्ट कर सकता हूँ, इन्फ्लेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, हमने इंडिया के कॉम्पिटिटिव एज की बात करना शुरू करी तब जब हमें पता चला कि बाहर से पैसा आ रहा था और RBI वॉज क्रिटिकल टू मैनेज दी अप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। क्यों? कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा। ठीक है, और वो कारण बहुत ही बेहतर तरीके से ऑप्शन ए में हमें दिखा। ठीक है, ऑप्शन डी, द सेफर बेट फॉर फिस्कल पॉलिसी इज टू वर्क थ्रू अ बूस्ट टू पब्लिक स्पेंडिंग। बहुत ही ऊपर सर के ऊपर से निकलने वाला आंसर हो सकता था ये। यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी की बात की गई, पब्लिक स्पेंडिंग की बात करी गई, तो यहाँ पर ना ही कोई हमारे फॉरेन कैपिटल इनफ्लो की बात हो रही थी यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर कंट्रोल ऑफ रुपी एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर RBI बात हो रही थी, तो इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ई, द गवर्नमेंट शुड एक्सपैंड इट्स स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है, बिल्कुल एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा, पर इसका हमारे पैसेज से कोई लेना देना नहीं, तो इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए एक बहुत ही बेटर आंसर है बी से। बी भी आंसर हो सकता था, प्रॉबल आंसर हो सकता था, देयरफोर लगाते तो अच्छा आंसर बनता, बट ऑप्शन ए और बेटर एक्सप्लेन कर रहा है पूरी चीज़ों को, और प्लस वहाँ मिसिंग प्रीमाइसेस हैं, शायद ये मिसिंग प्रीमाइस भी पूरा कर रहा है हमारा, क्योंकि हमने वहाँ कॉज इफेक्ट देख लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्यों ऑप्शन ए एक बेटर आंसर है, और हम यहाँ से क्लियर करेंगे और आप इसका सोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शंस फिर से वही हैं, वही फिर से एक पैसेज दिया है और फिर से 5 स्टेटमेंट्स होंगे और कंक्लूजन हमें पहचानना होगा, तो डायरेक्शंस मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, हम पढ़ेंगे डायरेक्टली पैसेज। द US इज द अनपैरेलल्ड टेक्नोलॉजी लीडर इन द वर्ल्ड एंड होम टू डोमिनेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स। यहाँ पर अमेरिका की बात की गई है, US की बात की गई है, और ये बताया गया है कि वो एक अनपैरेलल्ड टेक्नोलॉजी लीडर है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका डाटा जाता है। आप देखोगे कि गूगल का हम सारा जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो US बेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली बात है पहले स्टेटमेंट में क्या प्रूव करने की कोशिश करी कि US एक अनपैरेलल्ड टेक्नोलॉजी लीडर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज और डेटास को भेजती हैं। डिस्पाइट दिस इट फील्स थ्रेटेंड बाई चाइनीज सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक विच अलाउज एग्रेसिव डेटा प्रैक्टिसेस एंड हैज इमर्ज्ड एज अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन द टू कंट्रीज। अब चाइनीज सोशल मीडिया ऐप जो है ये टिकटॉक से इनको थ्रेटन है, और उनके जो डेटा प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरीके से वो डेटा को सेव कर रहे हैं अपने रिमोट सर्वर्स पे और अपने देश को बेच रहे हैं,
एंड हैज इमर्ज एज अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन द टू कंट्रीज. यहाँ थोड़ा सा टसिल हुआ, इंडिया में तो बैन हो गया टिकटॉक इसी बेसिस पे. सब्सिक्वेंटली यूएस अटेम्प्ट्स टू रीस्ट्रक्चर टिकटॉक होल्ड सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी एंड पॉलिसी लेसन फॉर इंडिया. अगर आप देखें कि जिस तरीके से यूएस ने अटेम्प्ट किया है आप टिकटॉक को रिस्ट्रक्चर करने का अपने ही देश में, उसको उस पर रेगुलेट करने का, हमें इंडिया को भी उसको लेसन्स लेने चाहिए. अब हमें समझ में आ गया कि पैसेज क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था. यहाँ पे तीन बातें हुई. पहली बात तो ये कि ये बताया गया कि यूएस एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी लीडर है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेट टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं. सेकेंड उन्होंने बताया कि टिकटॉक जो है उनका डेटा जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर के वो यूएस कुछ एग्रेसिव पॉलिसीज बना रहा है, ठीक है, और उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है. तीसरी बात ये बताई और हमें भी उससे ये चीज़ सीखनी चाहिए. चलिए ठीक है, आपने पैसेज ये बताया और हम बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ. क्या चीज़ कंक्लूड करने की कोशिश की गई है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑप्शन ए, द की लेसन हेयर इज दैट द यूएस डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स टेक लीडर अटेम्प्टेड टू रीस्ट्रक्चर टिकटॉक एज इट इज कंसर्न विद द डेटा सिक्योरिटी. यहाँ रीजन दिया लास्ट में, फाइनली सारी चीज़ों का सार यहाँ निकला. क्यों? क्योंकि पहले आपने बताया कि यूएस बड़ा, बहुत ही बड़ा वर्ल्ड टेक लीडर है एंड स्टिल इट इज रीस्ट्रक्चरिंग टिकटॉक. क्यों? क्योंकि उनको अपने डेटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है. आप देख सकते हो कि वो अपने जो एग्रेसिव डेटा प्रैक्टिसेस कर रहा है वो गलत हैं, इसी वजह से उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है. तो क्या मैं यहाँ अगर देयरफोर लगा दूँ, देयरफोर द की लेसन हेयर इज दैट द यूएस डिस्पाइट बींग द वर्ल्ड टेक लीडर अटेम्प्टेड टू रीस्ट्रक्चर टिकटॉक एज इट इज कंसर्न अबाउट द डेटा सिक्योरिटी. बहुत ही अच्छा आंसर होगा ये, बहुत ही लाइकली आंसर होगा ये. अगर मैं यहाँ देयरफोर लगा के आगे पढ़ूँ तो मेरा पूरा पैसेज इससे एक्सप्लेन हो रहा है. सारी चीज़ें, सारे तीनों प्रिमाइस इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकटॉक की वजह से यूएस अपने डेटा सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्नड है, ठीक है. तो इसलिए ऑप्शन ए एक बेटर आंसर मिलेगा हमें. चलिए बाकी भी देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं. चाइना ऑपरेट्स इट्स मार्केट साइज टू एम्पावर लोकल कंपनीज एंड फोर्स ग्रेटर वैल्यू एडिशंस विद इन द कंट्री. बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी, फिलहाल अभी पैसेज को प्रूव नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इसको अगर मैं ऐड कर दूँ पैसेज में तो ये मेरे पैसेज को स्ट्रेंथन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि टिकटॉक का रिलेशन सीधा चाइना से हो रहा है. वो अपने जितने भी डेटा है, जितना भी एग्रेसिव उनका जो डेटा प्रैक्टिसेस है, वो क्यों एग्रेसिव बोला जा रहा है, क्योंकि वो अपने डेटा को अपने देश में भेज रहे हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट को वो दे रहे हैं और उसका वो मिसयूज़ कर सकते हैं बिल्कुल. तो ऑप्शन बी फिलहाल एज अ कंक्लूजन नहीं होता हुआ दिखेगा, बट एज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट दिखेगा. ऑप्शन सी, बोथ यूएस एंड चाइना आर कल्टिवेटिंग नेशनल चैंपियंस व्हेन इट कम्स टू टेक कंपनीज. क्या यूएस और चाइना की कंपनीज का कंपैरिजन हो रहा था इस पैसेज में? जी नहीं. तो ये तो बहुत ही वेवर्ड आंसर हो जाएगा, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं. ऑप्शन सी रिजेक्ट हो चुका है. ऑप्शन डी देखते हैं, द टेक कंपनीज ग्रो इनटू जायंट इंटरनेशनल मोनोपोलीज बिकॉज ऑफ द डेटा दे मैनेज टू एग्रीगेट. क्या ऐसा है? क्या टेक कंपनीज जायंट इंटरनेशनल मोनोपोलीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द डेटा दे मैनेज टू एग्रीगेट? क्या यह चीज़ प्रूफ करने की कोशिश की कि टिकटॉक एक बहुत बड़ी कंपनी इसलिए बन गई क्योंकि वो अपने डेटा को मैनेज करती है एग्रीगेटली? जी नहीं. इसको ये तो बहुत ही वेवर्ड आंसर होगा अमेरिकन पैसेज को. ये पूरा थ्रू आउट ऑप्शन ए की लाइट में तो बिल्कुल प्रूव नहीं होता हुआ दिख रहा है. ऑप्शन ई, यूएस लॉ ऑब्लाइजेस देयर ग्लोबल टेक कंपनीज टू मेक अवेलेबल पर्सनल डेटा ऑफ द फॉरेन सिटीजन्स टू नेशनल एनफोर्समेंट एजेंसीज. अब यहाँ पे एक कानून के बारे में बता दिया कि यूएस का लॉ ये कहता है कि ग्लोबल टेक कंपनीज अपने पर्सनल अवेलेबल पर्सनल जो डेटा है फॉरेन सिटीजन्स का, वो अपने नेशनल इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रेगुलेट करते हैं, उसको नहीं देते हैं, ऑब्लाइज करते हैं उनको. क्या ये मेरा आंसर हो सकता है इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए? जी नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है आउटराइटली. और हम ऑप्शन ए पे एकदम क्लियर आंसर लगा सकते हैं, ठीक है. ये बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी ऑप्शन ई, और इसका सोल्यूशन अगर आपको देखना हो तो यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है. यहाँ लिखा भी ऑप्शन डी एंड ई आर सुपर एक्स्ट्रा सुपरफ्लूस इन्फॉर्मेशन, जिसका हमें कोई फैक्ट नहीं मिल रहा, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा पैसेज में, ठीक है. थोड़ी सी भी अगर मुझे इमोशनल नॉलेज है और मेरा ऑलरेडी लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो प्रिमाइसिस दिए हैं, तो मैं आप देखोगे कि एकदम क्लियर आपको आंसर पता चल जाएगा. आपको ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता भी नहीं है, आपको बस रिलेशनशिप देखना है, कॉज इफेक्ट देखना है, आपस में पहचान देखनी है कि क्या इको हो रहा है. एक एक वर्ड कुछ ना कुछ इको कर रहा था. जो इको होगा बेस्ट और ज़्यादा इंडक्टिव होगा, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दे रहा होगा, सबको प्रूव कर रहा होगा, वही मेरा कंक्लूजन या मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज होगा, ठीक है. चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम. लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ये. अंडर द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट ऑल एग्री प्रोड्यूस वॉज प्रोक्यूर्ड थ्रू मंडीज टू विच फार्मर्स ट्रांसपोर्टेड देयर प्रोड्यूस. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी तक जितना भी एग्री प्रोड्यूस था हमारा, जितना भी एग्रीकल्चर हम जो माल हम अपना बेचते हैं, जितना भी हमारा जो देश में
जितने भी खरीफ और रबी जितना भी हमारा स्टॉक है वो हम मंडीज के थ्रू बेचते हैं और फार्मर्स मंडीज जाकर के उसको बेचते हैं थ्रू आउट, ठीक है। और ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के थ्रू ये गवर्न होता है, ठीक है। जितना भी है वो मंडीज के थ्रू जाता है, प्रोक्योर वहीं से होता है, ठीक है। इनिशियली मेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, पहले तो यही सोचा गया था कि जो फार्मर्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे, बट दीज मंडीज हैव ट्रांसफॉर्म इनटू लोकल मोनोपोलीज। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने, बोला ये जो मंडीज जो कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थी पर वो प्रोटेक्ट ना करते हुए लोकल मोनोपोलीज में कन्वर्ट हो चुकी थी, ठीक है। और द मैकेनिज्म डिजाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स एंडेड अप सीवियरली हार्मिंग देम, यानी जो मैकेनिज्म बनाया गया जिससे हमारे फार्मर्स सेफ होते उसको उल्टा उनके ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ गई, उनको हार्म करने लगे। कैसे, ये भी बताया गया आगे। रेंट सीकिंग बिहेवियर वॉज कॉमन, सबसे पहले तो उनसे रेंट वसूलना शुरू किया गया, उन्हीं की जगह का जो उनको वहाँ पे मंडी में प्रोवाइड की गई जगह उसका रेंट लेना शुरू किया गया। एज कमीशन एजेंट नोन एज आर्थियास, आर्थिया क्या करते थे उसको, उनको रेंट पे वो जगह देने लग गए, ठीक है, वो कमीशन एजेंट बन गए एक तरीके से। एंड मिडिल मैन कमांडेड सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस थ्रू बींग बोथ बायर्स ऑफ प्रोड्यूस, और बीच में आ गए बहुत से लोग मिडिल मैन जो कि जिनके पास पैसा था तो उन्होंने फार्मर से डायरेक्टली माल खरीद लिया और अपने रेट पे बेचना शुरू कर दिया, यानी प्राइस फिक्सेशन वो करने लग गए। ये तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि मिडिल मैन क्या करेगा, मिडिल मैन के पास पैसा है तो उसने क्या किया, फार्मर से औने पौने दाम पे सब्जी या जो भी सामान उसने वहाँ पहुँचाया मंडी में उसको खरीद लिया और फिर अपने हिसाब से एक रेट खोला और उससे सामान बेचने लगा, यानी मिडिल मैन का बहुत बड़ा रोल हो गया मंडीज में थ्रू बींग बोथ बायर्स ऑफ द प्रोड्यूस। यहाँ बहुत क्लियरली ऑथर ने बताया है, वो बायर भी वही बन गया और प्रोवाइडर ऑफ द इनफॉर्मल क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट इन द मीन्स वो क्या करने लगा कि ब्याज पे पैसे भी देने लगा, इनफॉर्मल क्रेडिट ब्याज पे पैसे देना हुआ वो भी इलीगली मनी लेंडिंग हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फार्मर के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, ब्याज पे दिया और जब बोला तुम अपना सब्जी लेके आओ बना के लाओ या जो भी प्रोड्यूस करके लाओ और हमें बेच दो, तो उन्होंने एक तरीके से प्राइस फिक्सेशन भी किया, फार्मर को अपनी अपने एहसान तले दबाया भी और उनसे उनको एक्सटॉर्ट किया एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए अब हम कुल मिला के देखेंगे कि पैसेज ने हमें ये क्या प्रूव करने की कोशिश की, तो अब आपके माइंड में आ ही चुका होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा बेस्ट कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ कंक्लूड नहीं किया कुछ, आपको ये बताना था फाइनल की कंक्लूजन क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए को पहले, द फार्मर्स इंस्टेड ऑफ हैविंग ट्रांसपेरेंट प्राइस थ्रू ऑक्शंस इज रिप्लेस्ड बाय कल्यूजन एंड प्राइस फिक्सिंग बाय मिडिलमैन। कहीं प्राइस फिक्सेशन की बात हुई, जी नहीं, लेकिन हमने अपने इको किया अपने माइंड से, क्रिटिकल रीजनिंग से इस चीज़ को इको किया कि जब मिडिलमैन हमारा बन गया मंडी में एक बायर, ऑब्वियस ही बात है जब वो बायर है तो प्राइस, ऑब्वियस ही बात है जो खोलेगा मंडी में वो वही खोलेगा, उसने तो फार्मर से ले लिया, अब जो अगला जो रेट खोलना होगा किसी भी सब्जी का रेट वो प्राइस फिक्स मिडिलमैन करेगा, ये तो हमें समझ में आ गया था अपने क्रिटिकल सेंस से। और फार्मर को इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ट्रांसपेरेंट प्राइस थ्रू ऑक्शन, मतलब वहां पर तो कायदे से अगर देखा जाए तो अगर आप सामान लेके जा रहे हो तो उसका ऑक्शन होना चाहिए था, एंड इट शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द कल्यूजन, बट यहां पर क्या हो गया, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कल्यूजन सॉरी एंड इट हैज बीन फिक्स्ड, द प्राइस हैज बीन फिक्स्ड, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहां पर मंडी में जाने का मतलब ये था कि ऑक्शन होता है सब सामानों का फेयर प्राइस से, लेकिन वो लोग आपस में मिडिलमैन मिल गए होंगे और उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दिया। क्या ये मेरे पैसेज को कंप्लीट कर रहा है, जी हाँ ये मेरे पैसेज को कंप्लीट कर रहा है, ये कंक्लूड कर रहा है। देयरफॉर अगर मैं यहाँ लगा दूँ, देयरफॉर द फार्मर इंस्टेड ऑफ हैविंग ट्रांसपेरेंट प्राइस थ्रू ऑक्शंस इज रिप्लेस्ड बाय कल्यूजन एंड प्राइस फिक्सिंग बाय मिडिलमैन, बहुत ही लाइकली आंसर होगा, बहुत ही ज़्यादा लाइकली आंसर होगा, 80-90% चांसेज हैं इसके। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, देयरफॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नॉट अ सॉल्यूशन एट द मंडी लेवल। अच्छा आंसर हो सकता है ये भी, बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता है कि MSP जो गवर्नमेंट बनाती है इट इज़ एक्चुअली नॉट अ सोल्यूशन एट द मंडी लेवल, बट इट एक्चुअली इज क्वालिफाइंग टू बी अ सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत ही एम्बिगस हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक लेस इंडक्टिव आंसर होगा। हाँ आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इट्स अ प्रोबेबल आंसर, बट इट इज मोर लेस प्रोबेबल देन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज मोर प्रोबेबल देन ऑप्शन बी। तो इसीलिए अब हम देखेंगे इसको रिजेक्ट करते हुए ऑप्शन सी, 94% ऑफ द फार्मर्स सेल दे प्रोड्यूस इन द ओपन मार्केट, 94% फार्मर्स अपना प्रोड्यूस ओपन मार्केट में बेचते हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे पैसेज को कंप्लीट कर रही है, नहीं हमें इस बारे में नहीं मालूम, ओपन मार्केट और क्लोज मार्केट के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। फार्मर्स अपना माल ओपन मार्केट में बेचते हैं या क्लोज मार्केट में, इसका कोई एविडेंस हमें किसी प्रमाइस से नहीं मिला है थ्रू आउट।
चलिए ऑप्शन डी देखते हैं, द इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द कोल्ड चेन एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू हेल्प फार्मर्स सेल द प्रोड्यूस आर स्केर्स। क्या ऐसा कुछ है, क्या कोल्ड स्टोर्स की कमी है, इन्वेस्टमेंट्स उसमें पैसे की कमी है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको हेल्प नहीं कर रही फार्मर्स को, इसी वजह से फार्मर्स परेशान है। हाँ ये एक, ये अगर मैं इसको ऐड कर दूँ अपने पैसेज में तो स्ट्रेंथन कर देगा ये इन्फॉर्मेशन मेरे फार्मर्स के प्लाइट को, बिल्कुल फार्मर्स का जो दिक्कत है उसको और बढ़ाएगा, ये दिखाएगा, ये शो करेगा कि कैसे हमारे फार्मर्स का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है कोल्ड चेन में इन्वेस्टमेंट कम है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हेल्प नहीं कर रही है बहुत ज़्यादा फार्मर्स को, इसी बहुत वो कम है, इसी वजह से स्केयर्स है, इसी वजह से फार्मर्स को भी दिक्कत है अपना माल बेचने में, तो वो मंडी पे ऑब्वियसली बात है रिलाई करते हैं और वहाँ पर उनको मिडिलमैन एक्सटॉर्ट करता है। लेकिन ये आंसर मेरा नहीं हो सकता, ये सिर्फ स्ट्रेंथनिंग हमारा करेगा पैसेज का, ठीक है, ऑन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए ये एक बहुत बेटर आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए पूरा कंक्लूड कर रहा है। ऑप्शन ई देखते हैं, एपीएमसी एक्ट विल बी वॉटरशेड मूवमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री मच इन द सेम वे एज 1991 वॉज। अब यहाँ पर बोला गया एपीएमसी एक्ट के बारे में, पहले हमने सब पहली लाइन पढ़ी थी तो वहां पर एपीएमसी एक्ट के बारे में बताया गया था, जी हाँ, लेकिन अब ये इसमें कोई अमेंडमेंट जरूर किया गया है ताकि वो एक वॉटरशेड मूवमेंट बन सके इंडियाज इकोनॉमी के लिए। हमने हाल ही में देखा था कि अभी एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी को लेकर के एक चेंजेस किए, फार्मर्स बिल भी बोला गया उसको, और उस पर काफ़ी बवाल हुआ थ्रू आउट पार्लियामेंट में और उस पर काफ़ी डिबेट हुई। लेकिन क्या ये हमारे पैसेज को कंप्लीट करता हुआ आंसर दिख रहा है, क्या मैं यहाँ लगा दूँ देयरफॉर द एपीएमसी एक्ट विल बी वॉटरशेड मूवमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री, जी नहीं, ये चीज़ प्रूव नहीं होती हुई दिख रही है थ्रू आउट, नहीं, बाकी तीन दो प्रेमाइसिस नहीं प्रूव कर रहे हैं इस बात को, तो ऑब्वियसली बात है इसको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट हमें यह ऑप्शन ए में ही सिर्फ एक बेटर आंसर मिल रहा है, ऑप्शन बी बेनिफिट ऑफ डाउट में चला जाएगा और ऑप्शन ई भी बेनिफिट ऑफ डाउट में चला जाएगा और हम उसको क्लियरली आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन ए हमें बेटर आंसर मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, ये रहा इसका सोल्यूशन, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो को आज एंड करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और नेक्स्ट सेशन में मैं क्या नया कुछ लाने वाला हूँ मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्ट में, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, तैयारी करते रहिए, टिल देन जय हिंद।